वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फोर्थ. आज का टॉपिक है हमारा नेहाज अलार्म क्लॉक. नेहाज अलार्म क्लॉक. नरेटर: रिंग 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 अब गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग. नेहा मेक अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट बट शी नोज शी हैज टू गेट अप. शी मटर्स टू हरसेल्फ. सुबह की 6 बजे अलार्म की घड़ी बजती है. रिंग रिंग रिंग. नेहा अपना फेस बनाती है और अपने तकिए से उस अपने ईयर को कवर करके गर्म ब्लैंकेट के अंदर सटक कर सो जाती है. किंतु उसको पता है कि उसको उठना है. वह खुद ही अपने आप में बातें करती है. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समथिंग. नरेटर: समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. यह अलार्म घड़ी रोज 6 बजे क्यों बज जाती है और मुझे अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता है. ये सही नहीं है. उसको सुबह लंबे समय तक सोना बहुत अच्छा लगता है. वो सोचती है कि काश ऐसा हो कि घड़ी अपना काम कुछ समय के लिए भूल जाए. नरेटर कहता है कि कुछ गिरता है और नेहा हंसती है. नेहा: ओ माय क्लॉक हैज फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नरेटर: नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टील स्लीपिंग. नेहा कहती है ओ मेरी घड़ी गिर गई. मैं कितनी खुश हूँ, कल देर तक उठूंगी. नरेटर कहता है अगली सुबह वह अलार्म घड़ी नहीं बजती है और नेहा देर तक सोती रहती है और सोती रहती है. द स्मॉल चिरपी बर्ड, छोटे छोटे पक्षी आते हैं जो कि रोज उसकी खिड़की पर आते हैं. तो नेहा को सोता देखकर वह कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स वेक अप डियर वेक अप फास्ट. नरेटर: नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. बर्ड्स उसको उठाते, उठो जल्दी उठो, और नेहा उठने की तैयारी करती है. नेहा: ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स. वाई डोंट दे लीव मी अलोन. ओ अब ये अलार्म घड़ी नहीं है तो ये पक्षी क्यों नहीं मुझे ये सब अकेले छोड़ देते. नरेटर: इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली ऑन अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स एदर बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. कैन यू गेस Who it is? It's the big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. नेहा कहती है ओहो अब ये घड़ी नहीं है तो ये छोटे छोटे पक्षी भी आ गए मुझे उठाने के लिए, क्यों नहीं मुझे ये अकेला छोड़ देते. तो नरेटर कहता है कि नेहा कहती है कि क्यों नहीं ऐसा हो कि ये पक्षी भी अगली सुबह नहीं आए. तो अगली सुबह क्या होता है कि सिर्फ अलार्म घड़ी ही नहीं बजती है बल्कि पक्षी भी नहीं आते हैं, दोनों ही नहीं आते. लेकिन कोई और है जो कि नेहा को इस अपनी स्कूल बस मिस नहीं होने देना चाहता है. क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन है? हाँ, वो है ब्राइट सन, बिग ब्राइट सन, एक बड़ा सा सन जो कि नेहा के रूम में रोशनी भर देता है अपनी किरणों से और नेहा उस किरणों से उठ जाती है. नेहा: ओ माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप. व्हाई कांट ही लेट मी बी. ओ ये कौन है जो मुझे उठा रहा है, अब ये सन मुझे उठा रहा है. नरेटर: इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड. सन जो है बादलों में छुप जाता है तो सन भी उसको उठाने के लिए नहीं आता है. सो नेहा स्नोर्ट टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. नेहा खर्राटे लेकर सोती रहती है जब तक कि उसके कानों में उसकी मदर की वॉइस नहीं आती है. मदर: वेक अप, यू विल मिस द बस. मदर कहती है उसकी कि उठो, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी. नेहा: ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी. अब मुझे क्यों मेरी मम्मी मुझे उठा रही है.
Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch say it is 6 o'clock. She calls out to her mother. Neha के पास और कोई कारण नहीं होता है. नेहा उठती है और तैयार होती है. क्या आप सोच सकते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ होगा? नेहा खुद अपने आप उठ जाती है 6 बजे. उसकी मम्मी उसको बुलाती है. नेहा, माँ, who woke me up today? मुझे आज किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स. मम्मी हंसती है. मदर कहती है, who else you? Of course. और किसने? तुमको खुद ने उठाया. नेहा, but I was sleeping. How could I? किंतु मैं तो सो रही थी. मैं कैसे उठा सकती हूँ अपने आप को? नेहा ऐसा उसकी मम्मी से कहती है. मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट यूअर लंच एवरी डे वन इन द आफ्टरनून. नेहा, आई फील हंग्री. मदर कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि रोज तुमको दोपहर को लंच खाना होता है, भूख लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो नेहा कहती है, क्योंकि मैं भूख महसूस करती हूँ, इसलिए मैं दोपहर को लंच करती हूँ. मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी. क्यों तुमको रात को 9 बजे ही नींद आ जाती है? नेहा कहती है, क्योंकि मुझे सोने की इच्छा होती है. मदर, देयर इज अ क्लॉक इन साइड यू वॉच विच टेल्स यू वेन टू ईट वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेकअप. नेहा, ओ बेटर रुश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस. मम्मी कहती है उसको कि तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है जो कि तुमको बताती है कब तुमको खाना है, कब तुमको सोना है, कब तुमको उठना है. नेहा कहती है, ओ ऐसा क्या? और वो जल्दी से दौड़ जाती है कि मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती. देखो ये नेहा जल्दी से जा रही है. मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे. मम्मी कहती है, शांत रहो, आज रविवार है. नेहा कहती है, ओ. बच्चों, अब यहाँ पर हम कुछ हार्डवर्क देखेंगे, जैसे कि स्नगल्स. मैंने आपको पहले भी बताया था, स्नगल्स यानी सटना. जब हमको ठंड लगती है और हम बिस्तर में एकदम सिकुड़ कर सो जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में स्नगल्स कहते हैं. मटर्स यानी जब आप अपने आप में बड़बड़ करते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, और जब हमको रिमाइंड करना होता है, जैसे हम क्वेश्चन आंसर रिमाइंड करते हैं और उसको बड़बड़ करके थोड़ी हल्की हल्की आवाज में बोलते हैं, तो उसको कहते हैं मटर्स. विंडो सील, विंडो सील यानी कि जो खिड़की की चौखट होती है उसको हम कहते हैं विंडो सील. रिलैक्स, रिलैक्स यानी आराम करना. तो बच्चों, अब हमने यहाँ पर हार्डवर्क्स देखे. इस तरह हमने ये लेसन देखा कि नेहा किस तरह से अलार्म क्लॉक से अपनी नींद को जगाती है, और बहुत सारे पक्षी आते हैं, सन आता है जिससे कि नेहा को उठाते हैं, और नेहा को पता चलता है कि उसके अंदर, खुद के अंदर भी एक क्लॉक है जिससे कि उसको पता चलता है कि उसे कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.